हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। एंड इफ़ यू आर वॉचिंग माय वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, प्लीज़ 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 डू लाइक एंड शेयर। सो आज मैं जा रही हूँ अखंड पूजा में, यानी हमारे गांव में है एक अखंड पूजा, तो उसी के लिए मैं सुबह सुबह रेडी हो चुकी हूँ। और ये आप देख सकते हो कि ये रास्ता बहुत ही ब्यूटीफुल एंड वेदर भी उस दिन का मौसम भी बहुत अच्छा था। सो थोड़ा सा बारिश हुई थी, उसकी वजह से कीचड़ कीचड़ या मतलब पानी पानी आप देख सकते हैं नीचे। बट हाँ, सुबह सुबह 6 बजे हम लोग रेडी होकर के, मैं आशी और यानी सासू माँ, हम तीनों रेडी होकर के निकल गए थे शारदा धाम जाने के लिए, क्योंकि वहीं पर अखंड पूजा हो रहा था। एंड ऐसा माना जाता है कि मतलब ये पूजा जो होता है अखंड पूजा, जिन लोग के यहाँ पे होता होगा वो लोग डेफिनेटली जानते होंगे कि ये 24 घंटे की पूजा होती है, यानी मतलब जितने बजे स्टार्ट होता है उतने ही बजे नेक्स्ट डे एंड होता है। तो ये पूजा स्टार्ट हुई थी प्रीवियस डे यानी कल 8 बजे सुबह, एंड अभी 8 बजे ये हवन होकर के ये पूजा समाप्त होगी अखंड पूजा। तो इसमें ये भी होता है कि हमारे पूरे गांव में ढोलक ढोल बजा करके, ये भी एक रिचुअल है कि उस दिन हम लोग के घर में चूल्हा नहीं जलता है, किसी भी पूरे गांव में जिस गांव में भी अखंड पूजा होती है उस पूरे गांव में चूल्हा नहीं जलता। यानी आपको जो भी बनाना है आप 8 बजे प्रीवियस डे, मतलब पूजा स्टार्ट होने से पहले आपको जो भी बनाना है खाने पीने के लिए बना सकते हो, आप गैस ऑन नहीं कर सकते कुछ भी। तो इसलिए ये पूजा बहुत ही अहम मानी जाती है हम लोग के लिए। एंड इस दिन हवन होना था यानी पूजा समाप्त होनी थी, तो हम लोग गए थे, मेरे को मम्मी ले करके गई थी कि चलो दर्शन कर लीजिए आप भी, तो इसलिए हम लोग गए। यहाँ पर मैंने दर्शन किया, आशी ने दर्शन किए, यहाँ पर मैं पैर धो रही हूँ कि ऑब्वियसली बातें बाहर से आए हैं, थोड़ा सा गली तो थोड़ा बहुत गंदा होता ही है, यहाँ पे साफ़ करके पैर धो करके हम लोग गए अंदर। यहाँ पे थोड़ी सी पूजा की एंड मुझे माने थे 7 चक्कर, परिक्रमा जो करते हैं तो मेरे को माने थे 7 चक्कर। एंड मम्मी एक्चुअली सुबह सुबह 3 ही बजे उठ के आई थी, तो इसलिए वो पूजा कर चुकी थी, बस वो मेरे को लेने के लिए आई थी, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लगा। एंड मम्मी एक बार चक्कर करके मम्मी जाके बाहर बैठ जाती, तो अब वो आप देखोगे ही आगे, एंड यहाँ पर मिल जाती हमको खुशी। उसके बाद थोड़ी देर 5-10 मिनट वेट किया, उसके बाद हम लोग घर के लिए निकल गए, क्योंकि यज्ञ में थोड़ा सा टाइम था हवन होने में, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि घर चलते हैं। एंड वहाँ से निकले तो फिर रास्ते में यहाँ पर मतलब मंदिर के जो सामने थोड़ा बहुत मेला लग ही जाता है, क्योंकि ये मेले से कम नहीं होता है। यहाँ पर मेला लगा था, यहाँ पर आशी को मिल गया आइसक्रीम वाला, तो उसको खाना था आइसक्रीम दिया, तो आइसक्रीम आप देख ही सकते हो कि इस टाइम ठंडी का मतलब मौसम एकदम ठंडी वाला हो गया था, आइसक्रीम जमा हुआ था, तो आप देख सकते हो मम्मी क्या बोल रही हैं। और मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि मौसम ही ऐसा क्या करेंगे।
सो उसके बाद जाने वाली थी खुशी को खाने थे गोलगप्पे, एंड मैं गोलगप्पा नहीं खा सकती थी क्योंकि जब तक हवन नहीं होता हम लोग कुछ नहीं खा सकते थे, ये पूजा पाठ के लिए हैं, तो इसलिए फिर वापस घर के लिए चले गए। एंड फिर घर जाके मैंने बनाए थोड़े से रील, जो कि आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे डेफिनेटली अगर फॉलो करते होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा, काफ़ी दिन पहले की बात है। तो रील्स इंस्टाग्राम पे अगर जिन लोगों ने फॉलो नहीं किया तो यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेक इट। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूल लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू।